हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी एकदम मस्त होंगे। और बिल्कुल सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप लोगों का एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो हमारे टॉपिक ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस, इसमें हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर से संबंधित 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेगुलर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईटीआई एनसीवीटी के एग्जाम्स में, जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। उन क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका आंसर मुझे साथ ही साथ कमेंट भी करते चलेंगे। यदि आप इनके विषय में जानते हैं तो आप बिल्कुल बताएंगे, ठीक है? बाकी हम लोग इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इन्हें डिस्कस करते चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिना आवृत्ति बदले वोल्टेज व करंट को कम या ज्यादा करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे एक टर्म हमें दी हुई है, बिना आवृत्ति को बदले। देखिए आवृत्ति की यहाँ पे बात हो रही है। यदि हम बात करें तो मोटर्स जो है या जनरेटर जो है, इनमें आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, इनकी आवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। हमारे पास केवल एक ऐसी युक्ति है ट्रांसफॉर्मर, जो क्या कर सकती है, या तो ये वोल्टेज को बढ़ा सकती है, ठीक है? वोल्टेज बढ़ाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट का मान हमारा कम हो जाएगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलेंगे, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप घटेगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या रहता है कि कभी भी जब भी हम ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वह हमेशा कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट बनी रहती है। फ्रिक्वेंसी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, किस कारण से हम ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, सिलिका जेल का बहुत सारी जगह पे प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, उनके साथ भी सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल की एक खास बात यह होती है कि ये वातावरण में जो नमी उपस्थित होती है, उस नमी को ये सोख लेती है और अंदर जाने से रोक के रखती है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नमी को सुखाने के लिए जो वातावरण में मॉइस्चर है या जो जल वाष्प उपस्थित है, उसे सुखाने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिलिका जेल का प्रयोग नमी को सुखाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफॉर्मर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ से आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर के विषय में जानकारी मिलेगी। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा? तो ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है प्रेरण के सिद्धांत। प्रेरण के सिद्धांत में हमने दो प्रकार के प्रेरण के विषय में पढ़ा है। पहला हम पढ़ते हैं स्वप्रेरण, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं अन्योन प्रेरण। ठीक है, दोनों के विषय में आपको मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ। स्वप्रेरण का मतलब क्या, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली स्वयं में होने वाले परिवर्तन का स्वयं ही विरोध करती है, कुंडली स्वयं ही विरोध करती है। जैसे चोक कुंडली से यदि धारा प्रवाहित हो रही है, यदि आपके पास कोई एक चोक कुंडली है और आप उसमें धारा को प्रवाह कर रहे हैं, तो जैसे ही आप धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, कुंडली स्वतः खुद ही अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। ये कहलाता है हमारा स्वप्रेरण। और हमारा जो बेसिक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में हम एक कुंडली का उपयोग न करके यूज करते हैं दो कुंडलियों का, दो कुंडलियों का उपयोग करते हैं। एक कुंडली जिसे पहली कुंडली जिसमें हम सप्लाई देते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी, और जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल से हम आउटपुट हमारा प्राप्त होता है। तो प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है, इसके कारण एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस फ्लक्स के छेदन के कारण ही हमारी द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मर में जो दो कुंडलियां हमारी होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, इनके बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, अर्थात ये दोनों ना तो एक दूसरे से तार से जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के तार से नहीं जुड़े होते। यहाँ पे जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है या जो विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, वह किस रूप में होती है, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है कि प्राथमिक कुंडली में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, वहां से चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ, उसके कारण दूसरी कुंडली में पुनः वहां पर धारा उत्पन्न हो जाती है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अन्योन प्रेरण, ठीक है। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है, अन्योन प्रेरण, इसी के सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है? अब देखिए स्टेबलाइजर क्या होता है, यदि आपने देखा होगा
तो एसी के साथ या फ्रिज के साथ हमें स्टेबलाइजर लगाना होता है। स्टेबलाइजर करता क्या है कि जो वोल्टेज का मान है उस वोल्टेज के मान को वह कैसा बना के रखता है, स्थिर बना के रखता है। जैसे यदि आपका कोई इक्विपमेंट है, जैसे आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, सपोज ये मशीन आपकी चलती है 240 वोल्ट पे, 240 वोल्ट पे। अब आपके यहाँ जो घरों में सप्लाई आ रही है वो हो सकती है कभी कितनी आए, 240 से कम आए, या कभी आपके पास 240 से ज्यादा आ जाए। तो कम या ज्यादा जो वोल्टेज में वेरिएशन होगा उसे कंट्रोल करने के लिए हम बीच में एक क्या लगा देते हैं, स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर आपका क्या करेगा, इस वोल्टेज के मान को परफेक्ट 240 बना के आपकी मशीन को देगा। तो जो वोल्टेज को स्टेबलाइजर कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, दोनों प्रकार से ये कार्य कर सकता है। तो वोल्टेज को कम करने का काम भी करेगा, ज्यादा करने का काम भी करेगा। जैसा आपका इनपुट वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग स्टेबलाइजर आपका वोल्टेज को कम या ज्यादा करेगा। इस स्थिति में हम कौन से ट्रांसफार्मर का यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो हम उपयोग करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, करेंट ट्रांसफार्मर, ये काफी बड़ी चीजें हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का पावर ट्रांसफार्मर साइज में ही बहुत बड़ा होता है, और स्टेबलाइजर आपका इतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें पावर ट्रांसफार्मर फिट कर दिया जाए, नहीं तो मशीन से ज्यादा कीमत हो जाएगी आपके स्टेबलाइजर की। चलिए अगला देखते हैं, क्लिप ऑन टेस्टर में कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखिए, क्लिप ऑन टेस्टर या आप इसे बोले टोंग टेस्टर, इसमें किसका उपयोग किया जाता है और ये किस चीज को मापने के लिए उपयोग में आता है, इसके विषय में आप लोग बताएंगे। देखिए, अभी तक हमने जो नॉर्मल हम लोग मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, मल्टीमीटर जो आपका होता है ये आपका डीसी करंट को मेजर कर सकता है। मल्टीमीटर आपका सिंपली डीसी करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन यदि हमें कभी एसी करंट को मेजर करना हो कि एसी करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं क्लिप ऑन टेस्टर का या टॉम टेस्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अंदर किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखें करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करने से क्या होता है, जब किसी चालक में, यदि किसी कोई वायर है, वायर में यदि करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। इसी सिद्धांत पर, इसी चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर हमें करंट का मान कौन बताता है, तो क्लिप ऑन टेस्टर या टॉम टेस्टर हमें इसी आधार पे विद्युत धारा का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री फेज सप्लाई को, आपके पास कोई थ्री फेज सप्लाई है, उसे आपको टू फेजेस में कन्वर्ट करना है, दो फेज में आपको उसे बदलना है, आप इसके लिए किस कनेक्शन का उपयोग करेंगे। तो आप याद रखेंगे, इसके लिए हम उपयोग करते हैं स्कॉट कनेक्शन, इसका उपयोग करेंगे स्कॉट कनेक्शन के द्वारा थ्री फेज को टू फेज में बदला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रांसफार्मर से संबंधित तो दो टेस्ट किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर से संबंधित हम दो प्रकार के टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स में, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए उपयोग में आता है, कॉपर लॉस के लिए उपयोग में आता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग किसे मेजर करने के लिए किया जाता है, कॉपर लॉस को। कॉपर लॉस वास्तव में होता क्या है बेटा, तो कॉपर लॉस वास्तव में क्या चीज होती है, जो हमने ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल्स स्थापित की है या जो भी हमने वाइंडिंग्स स्थापित की है, उन वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण होने वाली जो ऊर्जा की हानि है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा किसे ज्ञात किया जाता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग ज्ञात किसे करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात किया जाता है आयरन लॉस को। आयरन लॉस क्या होता है वास्तव में, कि जो भी आयरन कोर्स हमने यूज की है उन आयरन कोर्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में जो बार बार ऊर्जा की हानि होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, आयरन लॉस उसे कहा जाएगा, ठीक है। इसी से संबंधित होता है फिर हिस्टरेसिस लॉस, ठीक है, वो भी किसके लिए आती है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जो होती है हमारी आयरन कोर उसके संदर्भ में उपयोग किए जाती है टर्म, ठीक है, हिस्टरेसिस लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांसफार्मर में जिन सिरों के पर हम सप्लाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किस सिरे पर हम सप्लाई देते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं, पहली होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। हम जो सप्लाई देते हैं हमेशा कहाँ पे देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं, अर्थात प्राथमिक वाइंडिंग में हम हमेशा सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, आई होप आप सभी ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलता है वह क्या,
पास लो वोल्टेज है, जैसे सपोज आपके पास 100 वोल्ट है, आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं 220 वोल्ट में। यदि आप कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज में जा रहे हैं, अर्थात आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं का मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं। क्लियर? जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलेगा वह स्टेप अप कहलाता है। अब हमें स्टेप अप करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। ट्रांसफार्मर की संरचना किस प्रकार से होगी? प्राइमरी कॉइल में आपके पास, जैसे सपोज आपने मान लिया कि यहाँ पे आपके पास 100 टर्न्स है, 100 आपके पास क्या है, लपेटे है। आप चाहते हैं कि आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा आउटपुट प्राप्त हो, आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में आपको टर्न बढ़ानी होगी। सेकेंडरी कॉइल में आप कितनी टर्न्स रखेंगे, इसे आप याद कर सकते हैं इस सहायता से। तो जैसे प्राइमरी में कम वाइंडिंग है, सेकेंडरी में ज्यादा वाइंडिंग है, यदि आप यहाँ पे 200 टर्न्स रख देते हैं तो आपका जो वोल्टेज है वो अपने आप बढ़ जाएगा। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ns अपॉन np, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वोल्टेज जो उत्पन्न होता है es अपॉन ep, और जस्ट ही अपोजिट किसके होता है, ip अपॉन is के। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मराइजेशन रेशियो या परिणमन अनुपात का ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसकी सहायता से आप वाइंडिंग कितने टर्न्स हैं उसे निकाल सकते हैं, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या कितनी धारा प्रवाहित होगी उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखता है कि जो आपका सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल को आप रखते कहाँ पर है, सिलिका जेल को कहाँ पर रखते हैं? तो देखिये सिलिका जेल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है बेटा, सिलिका जेल का उपयोग किस लिए करते हैं हम, जो बाहरी वायुमंडल की जो नमी है उस वायुमंडल की नमी को सोखने के लिए। अब वायुमंडल की जो नमी है वह हवा के साथ आएगी, तो हवा कहाँ से ट्रांसफार्मर में जाती है, तो ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर का मतलब ही होता है सांस लेना, सांस में हम हवा लेते हैं, तो एयर कहाँ से अंदर जाती है ट्रांसफार्मर में, ब्रीदर से, तो ब्रीदर के अंदर ही हम सिलिका जेल को रख देते हैं ताकि जो एयर आ रही है तो एयर के साथ में जो मॉइस्चर हो, ये जो H2O होगा, जो पानी होगा हल्का सा मॉइस्चर, उसे ये सोख लेगा। तो कहाँ पे रखा जाता है सिलिका जेल को, ब्रीदर के अंदर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग को प्रदर्शित किया जाता है ये किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है इसे हम प्रदर्शित करते हैं किलो वोल्ट एम्पीयर में, केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग को, जो रेटिंग है उसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एचपी वगैरह में हम लोग मोटर्स का उपयोग करते हैं, किलोवाट हम लोग खपत के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो ट्रांसफार्मर अकेली एक ऐसी अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करने वाली युक्ति है जिसकी दक्षता सर्वाधिक होती है, 95-98% तक हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता हो सकती है। दक्षता ज्यादा होने के कुछ कारण इसके क्या होते हैं कि सबसे पहली बात, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, अर्थात कोई भी ऐसे चलने वाली युक्तियां इसमें नहीं होती कि जो गति कर रही हो, जिनमें किसी प्रकार के मोशन हो, तो घर्षण या फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होती है। चाहे आप मोटर्स में बात करें, जनरेटर्स में बात करें, सभी से ज्यादा दक्षता किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन वह ट्रांसफार्मर है जिसकी द्वितीयक कुंडली में, देखिए ट्रांसफार्मर कौन सा बोला है आपसे, ट्रांसफार्मर हमसे बोला है स्टेप डाउन प्रकार। अब देखिए स्टेप डाउन का मतलब, जब हमें डाउन करना है मतलब हमारे पास प्राइमरी में यदि 100 कॉइल्स है तो हमें डाउन करने के लिए सेकेंडरी में इससे कम कॉइल्स चाहिए, सपोज हमें 50 चाहिए, तभी तो डाउन होगा, ज्यादा कॉइल से कम कॉइल में जाएंगे तो हमारा वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीय कुंडली में प्राथमिक की अपेक्षा कम शक्ति हो, नहीं पावर से कोई लेना देना नहीं, ज्यादा वोल्टेज हो नहीं, कम धारा हो नहीं, क्या आ जाएगा आंसर आपका बिल्कुल इसका, कि प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेटे हो। तो देखिए 100 की अपेक्षा कम है 50, तो कम लपेटे होंगे तो वोल्टेज भी हमारा कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है, आपको ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाना है उसके लिए सबसे उपयुक्त धातु आपकी कौन सी होगी। तो आप याद रखेंगे कि जो सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात होता है वह सबसे उपयुक्त धातु होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड के निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर वास्तव में होता क्या है, एम्पलीफायर या प्रवर्धक जो है बेटा, एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
ठीक है। एम्पलीफायर, जैसे आपने साउंड का एम्पलीफायर सभी ने देखा होगा, ठीक है। साउंड एम्पलीफायर जो हम मशीन लगाते हैं साउंड की, वही साउंड एम्पलीफायर, वह क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है, जो हमारी आवाज है, आवाज के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हमें तेज आवाज सुनाई देती है, या उसे हम मिक्सर भी कह सकते हैं, बहुत सारी आवाजों को मिला भी सकता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर किसी भी चीज की शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में पावर को नहीं बढ़ा सकते। देखिए एसी में यदि हम पावर की बात करें, सिंपल यदि हम बात करें तो वी आई आती है, पावर फैक्टर को छोड़ दे तो वी इंटू आई आती है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यदि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट अपने आप घट जाती है, यदि वोल्टेज घटता है तो करंट अपने आप बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे दोनों में व्युत्क्रम अनुपात होता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो दोनों का जो गुणा होगा वह हमेशा कैसा बना रहेगा, कॉन्स्टेंट बना रहेगा, मतलब कि ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि आउटपुट धारा को बढ़ा सकता है, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका क्या आ जाएगा बताइए, कि ट्रांसफार्मर जो है हमारा आउटपुट की, देखिए वोल्टेज को भी बढ़ा, वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, ये भी गलत बात है, ठीक है। विद्युत धारा नहीं बढ़ा सकता, आउटपुट धारा को नहीं बढ़ा सकता, देखिए आउटपुट धारा को बढ़ा सकता है, ठीक है, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, ये सबसे ज्यादा गलत है, आउटपुट शक्ति को तो नहीं बढ़ा सकता, बाकी की चीजें ये कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है, आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा होना था कि सत्य बात है, ट्रांसफार्मर के संबंध में सत्य, ठीक है। ट्रांसफार्मर के संदर्भ में यदि हम सत्य की बात करें तो आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ का था, हमने उसे ठीक कर दिया। चलिए अगला देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति शक्ति की वह क्षति है जो खालिस्थान के कारण उत्पन्न होती है। देखिए तांबे की क्षति है, ताम्र क्षति है, कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस किस कारण से उत्पन्न होता है भाई, तो कुंडली जो हम तांबे के तार का प्रयोग करते हैं उसके प्रतिरोध के कारण ही यह उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर में तेल के उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, ट्रांसफार्मर में जब हम कोई यदि बड़े ट्रांसफार्मर की बात करते हैं जो वायु के द्वारा शीतलित ना हो, यदि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, हम इसमें क्या करते हैं बेटा, बीच में हम भर देते हैं, इन कुंडलियों को स्थापित करने के बाद हम यहाँ पे भर देते हैं ऑयल, कौन से ऑयल का उपयोग किया जाता है, सिंथेटिक ऑयल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इस ऑयल को कुंडलियों को ऑयल में डुबोने का क्या हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना जा रहा है। देखिए पहला है ऑप्शन लुब्रिकेशन या चिकनाई उत्पन्न करना, दूसरा ऑप्शन दिया है इंसुलेशन और स्नेहन, अगला हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्नेहन और शीतलन। देखिए स्नेहन और शीतलन का मतलब क्या होगा बताएगा, ठीक है, और लास्ट हमें ऑप्शन दिया है शीतलन। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होना चाहिए कि हम किस लिए उपयोग करते हैं, इंसुलेशन और शीतलन के लिए हम इसे उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है, इंसुलेशन और स्नेहन नहीं होना चाहिए, इंसुलेशन और शीतलन हमारा यहाँ पे आंसर में होना चाहिए, इंसुलेशन और शीतलन हम दोनों के लिए उपयोग करते हैं। देखिए हम ये चीज क्या चाहते हैं कि हमारी जो कुंडलियां हैं दोनों कुंडलियां एक दूसरे के संपर्क में ना आए, यदि दोनों कुंडली एक दूसरे के संपर्क में आ गई तो दोनों एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगी और क्या होगा हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ऑयल डालने का दूसरा क्या है कि वह शीतल बना रहे, मतलब ट्रांसफार्मर जो है हमारा ठंडा बना रहे। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे इसके ऑप्शन है, ये इसे मैं कट कर देता हूँ, इसे मैं सही से लिख देता हूँ, क्या होगा शीतलन, ठीक है। सही आंसर क्या होगा आपका, इंसुलेशन और शीतलन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए जी पहला ऑप्शन कहता है आवृत्ति पर बिल्कुल निर्भर करता है, प्रत्येक लपेट की संख्या आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। तो सही आपका जो आंसर होगा शायद ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी कहता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, लपेट की संख्या पर एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन भी इसमें सही है लेकिन सभी में सिंगल सिंगल आंसर है, तो टोटल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, रेगुलर लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है? जो सूखी हुई सिलिका जेल होती है उसका रंग क्या होता है? आप याद रखेंगे कि शुष्क जो होती है बेटा वो होती है सफेद या हल्की गुलाबी से रंग की। अगला क्वेश्चन आएगा, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या हो जाता है? नमी सोखने के बाद में जो सिलिका जेल का रंग है वह हो जाता है कैसा? नीला। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, टैप्ड ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? देखिए ट्रांसफार्मर, आपने जो छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी आपने रेटिंग देखी होगी 0609 कुछ इस प्रकार से, या कुछ ट्रांसफार्मर आपने ऐसा देखा होगा 606 या 909। ठीक है, यदि यहाँ पे दो तार निकले हुए तो हम कह सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल है, लेकिन यदि तीन तार निकले हुए हैं तो जो सेंटर वाली लाइन है वो ग्राउंड है, बाकी 6-6 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पे देखेंगे तो एक 9 वोल्ट की लाइन है, दूसरी भी 9 वोल्ट की, 0 वोल्ट की। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग से आप बीच बीच से कुछ कनेक्शंस निकाल लेते हैं। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग से बीच बीच से कुछ कनेक्शंस निकाले जाते हैं इन्हें ही हम कहते हैं टैपिंग। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं हम? टैपिंग कहते हैं। तो टैपिंग का मतलब या टैप ट्रांसफार्मर का मतलब जिसमें द्वितीयक कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकले हों, जिसमें सेकेंडरी जो आपका वाइंडिंग है उसमें से यदि कुछ सिरे निकले हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे कि एक की पॉइंट आपको याद रखना, कौन सा? कि ट्रांसफार्मर जो है आपका हमेशा किस पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पर ही कार्य करता है। क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य करेगा? नहीं। ट्रांसफार्मर को यदि आप डीसी से जोड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, जल जाएगा, बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगा। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद होगी कि उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ना तो डीसी वोल्टेज को कम कर सकता है, ना ज्यादा कर सकता है, ना ही उतना ही वोल्टेज ये देगा। ठीक है, क्यों कार्य नहीं करता है इसके लिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ही क्या है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत कहता है वह कहता है कि धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, उसी के आधार पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसका मान तो समय के साथ परिवर्तित होता है, तो इससे जो फ्लक्स बनेगा इससे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो सकता है, वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। लेकिन जो आपके पास डीसी करंट है, डीसी करंट आपका बिल्कुल फिक्स चलता है, कॉन्स्टेंट चलता है, तो इसमें धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। और धारा के मान में यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण कार्य ही नहीं करेगा, हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का हम सामान्यतः उपयोग करते हैं ऑटोमोबाइल्स में उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, किस चीज में उपयोग किया जाता है? शक्ति के अधिक मात्रा में स्थानांतरण के लिए, वोल्टेज में लघु परिवर्तन करने के लिए, स्रोत की वोल्टता बढ़ाने के लिए, या यंत्रों एवं रिले आदि में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यंत्रों में और रिले में हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और यही वे क्वेश्चन है जो रेगुलर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंटिन्यू बेसिस पे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू एवरीवन।